संजीव अहलूवालिया जी, सीधे मेरा आपसे सवाल है, मौजूदा जो स्थितियां हैं वो किस ओर इंडिकेट करती हैं, क्या संकेत देती हैं? क्या वास्तव में 1991 से हालात और ज्यादा बदतर होने जा रहे हैं, जिसका जिक्र आज डॉक्टर मनमोहन सिंह करते हुए दिखाई दे रहे थे, या स्थितियां अभी वैसी नहीं है, सरकार कंट्रोल कर लेगी? चूंकि कोरोना बीते 1.5-2 सालों में एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, उससे भी निपटना हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा। ये चित्रा जी, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि देखिए मैं ये राजनीतिक दावपेंच पे नहीं फंसना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही दिग्गज लोग बैठे हैं आपके पैनल पे, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालेंगे। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह की देवी आपदा से आज हम गुजर रहे हैं, इस तरह का मेरे ख्याल डिजास्टर तो हमारे ऊपर पिछले 30 साल में कोई आया नहीं है। तो ये बड़ा एक विचित्र सा समय है देश के लिए और आर्थिक व्यवस्था के लिए, जिसमें ये जाहिर है कि हर तरह के टेंशन और हर तरह का स्ट्रेस परिवार के बजट पे आएगा और सरकार के बजट पे आएगा, और जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट्स पे भी यही स्ट्रेस, और बैंक्स वगैरह की बैलेंस शीट में और स्ट्रेस जरूर आ रहा है। आरबीआई खुद, आपको याद होगा, कहा था कि सितंबर 2021 तक जो एनपीएज हैं वो लगभग 14% हो सकते हैं एसेट्स के, परंतु खुशखबरी ये है कि रिसेंट जो उन्होंने अपना मॉनेटरी रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो निकाला उन्होंने पिछले महीने, उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब 14% नहीं होंगे, कम होंगे, 10%, 9.5-10% तक रहेंगे। तो ये खबरी है, एक मतलब एक संकेत है कि हालात उतने खराब नहीं होंगे जितने हम सोचते थे जब ये आपदा बहुत तेज चल रही थी। दूसरी चीज, रोजगार। देखिए चित्रा जी, ये जो रोजगार का प्रश्न है, ये पूरे विश्व में एक समस्या बन के बैठा हुआ है। एक तरफ हम लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। आपके हमारे मेरे ख्याल कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यही मेन चीजें होती हैं भविष्य के लिए, जो कि जीडीपी को बढ़ाएंगी। पर हकीकत यह है कि हमें जाना तो इसी तरफ है, इसमें कोई दो नहीं, और दोनों सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, दोनों में उसी तरफ ले जा रही हैं। पर इसका सीधा कुप्रभाव रोजगार पे, ये हमें जान लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि देखिए, दो चीजें हमें संभालनी है। एक तो ये जो लोक सेवाएं हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सोशल प्रोटेक्शन की हो, जो आप पेंशन स्कीम्स हैं, इनको हमने और व्यापक बनाना है, ताकि जो लोग कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं मार्केटप्लेस में, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनको नौकरियां मिल नहीं रही है, इनको किसी ना किसी तरह हम संभाल कर अपने साथ चला सकें कुछ और देर के लिए, जब तक इकोनॉमी स्थिर ना हो जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि एक डिलीवरी मैकेनिज्म अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आधार अब काफी व्यापक स्तर पर फैल गया है। तो आप जानते हैं कि चाहे गल्ले का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरकार ने तो बिल्कुल फ्री कर दिया है गल्ले का डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए तो फ्री गल्ला उनको मिल रहा है। पर हम जानते हैं कि जो पुराने बीपीएल के कार्ड वगैरह बने हुए, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वहां नहीं होना चाहिए, तो वो क्योंकि आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वो पकड़े नहीं जाते। तो वहां पे हमें और नजर डालनी है, पैसा बचाना है।